अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आई एम डॉक्टर सैयद शराफत हुसैन। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, कैन वी डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन अननोन गैस इफ़ वी नो द प्रेशर एंड वॉल्यूम अलोंग विद द मास। यस, वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। अगर हमें ये चार चीज़ें मालूम है तो हम सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, एम इज़ इक्वल टू एम आर टी ओवर पी वी। सो ये सिंपल सा फार्मूला आपने अप्लाई करना है और अप्लाई करके आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं जी। अगले सवाल की तरफ अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, व्हाई डू वी फील कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग द डेंसिटीज ऑफ गैस इन यूनिट्स ऑफ डीएम ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब रेदर देन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनके ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में हम कंफर्टेबल फील करते हैं और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हम कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उसकी वजह क्या है? तो रीज़न क्या है, द डेंसिटी ऑफ गैसेस आर वेरी लो, कि जो गैसेस की डेंसिटी है वो बहुत कम होती है। दे आर अबाउट 1000 टाइम्स स्मालर देन द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। इनके लिक्विड सॉलिड से 1000 गुना उनकी डेंसिटी कम है। सो इफ़ गैस डेंसिटी आर एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेसीमीटर सेंटीमीटर क्यूब देन द वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल। अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूज़ करते हैं ना यूनिट, तो डेंसिटी की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। दे मे गो टू द फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल, ये भी एग्जांपल में हम समझते हैं इसको। व्हेन वी एक्सप्रेस द डेंसिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब देन द वैल्यू ऑफ द डेंसिटी बिकम रीजनेबल टू बी एक्सप्रेस। फॉर एग्जांपल, द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस इज 0.716 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट एसटीपी। तो 0.716 है, देखें इशारे के बाद ही डिजिट स्टार्ट हो गया 716। और अगर हम ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते तो आप ये देख रहे हैं कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर चौथे यानी कि डिजिट के बाद, ठीक है ना, अब तो फोर्थ डेसिमल, ठीक है ना, फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल जो है वहाँ पर जाके हमारे पास ये 7 शुरू हो रहा है। तो इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, 0.000716, तो दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। सो दैट्स वाई वी आर कम्फर्टेबल, वी फील कम्फर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग द डेंसिटी ऑफ गैसेज इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब देन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्लास, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें वो क्या कहते हैं, डू यू थिंक दैट वन मोल ऑफ H2 एंड वन मोल ऑफ अमोनिया एट 0°C एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल हैव द एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। यस, वी ऑलरेडी नो one mole of any gas will have Avogadro's number of particle under any condition of temperature and pressure. कोई भी condition है, एक mole अगर किसी भी शय का ना, एक mole, तो वो जो एक mole है ना क्लास, वो एक mole बराबर होगा Avogadro's number of particle के। तो one mole of H2 and one mole of methane, sorry, यहाँ पर मिथेन नहीं, यहाँ पर अमोनिया आएगा NH3। one mole of NH3 at STP will have सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो CH4 नहीं है जी, ठीक है, यहाँ पर NH3 आना है, सेम यहाँ भी NH3 आएगा। अच्छा जी, अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, क्या कहता है वो हमें, जस्टिफाई डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2 एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 एट STP विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज 8 times हैवियर देन हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब H2 का, 1 सेंटीमीटर क्यूब CH4 का, इनके सेम मॉलिक्यूल होते हैं STP के ऊपर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो मिथेन का मॉलिक्यूल है 8 times हैवियर होता है देन हाइड्रोजन। तो एज एवोगैड्रोस लॉ स्टेट्स डैट equal volume of all gases at same temperature and pressure have same number of particle. Therefore, 1 centimeter cube of H2, 1 centimeter cube of CH4 at STP will have same number of molecules, and it does not depends on the mass of molecule. Molar mass H2 ka 2 hai, CH4 ka 16 hai, which shows that the molecule of methane is 8 times heavier. But according to Avogadro's law, इक्वल वॉल्यूम विल हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जी अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28,
तो इसको ज़रा देखते हैं हम क्या कहते हैं। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज ओनली ऑबेड व्हेन दोज गैसेज विच डोंट हैव अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग देयर मॉलिक्यूल, यानी कि तब ही ओबे होगा, ये तब ही प्रैक्टिकली अप्लाई होगा जब कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है तो देखें, फॉर डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू होल्ड, यानी कि डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को होल्ड करने के लिए देर विल बी नो फोर्स ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होनी चाहिए। वाइल स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, इनके जब वो कंटेनर की वॉल के साथ टकरा रहे हैं उस दौरान उनमें कोई किसी किस्म के अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होने चाहिए। द प्रेशर ऑफ गैस इज़ ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जो प्रेशर है वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से है। इन द एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज, यानी कि अगर गैर मौजूदगी में अट्रैक्टिव फोर्सेज की गैर मौजूदगी में ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस विल हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एंड विद द सेम फोर्स, तो हर मॉलिक्यूल सेम कुव्वत के साथ सेम फोर्स के साथ वो टकराएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास सेम प्रेशर अप्लाई होगा। दस द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गिवन गैस इज अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर गैसेस, इन दिस केस द टोटल प्रेशर, ठीक है, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो इस केस में फिर जो हमारे पास टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, वो सम होगा पार्शियल प्रेशर के, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, इसको लिख लीजिएगा। इन दिस केस द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये हमें डॉल्टन्स लॉ कहते हैं। हैंस द लॉ विल नॉट होल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स, और अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी तो ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होगा। जी अब आगे देखिए जी, अगला सवाल हमारे पास वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, तो कहता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑबेज द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बयान करें कि जो रेस्पिरेशन का अमल है वो डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को ऑबे करता है। देखें, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन द डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, पार्शियल प्रेशर में फ़र्क के वजह से ये हमारे पास ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का प्रोसेस डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। गैसेज मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू लो व्हेन वी इनहेल एयर, देन द ऑक्सीजन मूव इनटू लंग्स, तो जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में मूव कर जाती है। एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ 159 वाइल द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज 116 टॉर, चूँकि हवा में प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और लंग्स में कम है, इसीलिए एयर से लंग्स में ऑक्सीजन मूव करेगी। इसी तरह से जो CO2 पैदा हो रही है वो बाहर की तरफ आ जाती है, मूव्स आउट इन द अपोजिट डायरेक्शन एज द पार्शियल प्रेशर इज मोर इन द लंग्स देन इन द एयर, क्योंकि हवा में प्रेशर कम है CO2 का और लंग्स में इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। जी क्लास, अब अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, क्या है, द प्लॉट PV versus P इज अ स्ट्रेट लाइन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड विद अ फिक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एन आइडियल गैस Y, यानी कि जो प्लॉट है जो हम ग्राफ बनाएंगे PV versus P के दरमियान, तो वो कहता है कि वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, उसकी वजह तो देखें, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड विद अ फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरिड इट्स वॉल्यूम चेंजेस, तो अगर प्रेशर चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट द प्रोडक्ट PV रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लेकिन ये जो PV का प्रोडक्ट है ये सेम रहता है। इसका मतलब है कि आप प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, नतीजतन PV रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हैंस फॉर एनी फिक्स टेम्परेचर द PV प्रोडक्ट PV व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट P अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू P एक्सिस इज ऑब्टेन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स दैट PV रिमेन्स कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी। जी क्लास, अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पर वो कहते हैं दिस स्ट्रेट लाइन, यानी कि उस ग्राफ से जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन हासिल हो रही थी उसके बारे में वो कह रहा है कि दिस स्ट्रेट लाइन इज़ PV versus P ग्राफ इज़ पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस एंड गोज अवे फ्रॉम P एक्सिस प्रेशर एक्सिस एट हाई प्रेशर, यानी कि हाई टेम्परेचर यहाँ पर आएगा, एट हाई टेम्परेचर हमारे पास ये जो वैल्यू है ये गोज अवे दूर चली जाती है, उसकी वजह क्या है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर आना है क्वेश्चन में, तो नो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सेम
फ्रॉम T1 to T2, इनके जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें अगर हम T1 से T2 टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन PV एंड P विद द सेम फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, अ स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन. तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी. हाउएवर ताहम द वैल्यू ऑफ PV इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन PV इंक्रीज करने से जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दिस स्ट्रेट लाइन एट T2 विल अवे मूव अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस से ये दूर चली जाएगी क्योंकि PV जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है. वजह क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होता है, VV भी इंक्रीज होता है. सो दिस स्ट्रेट लाइन ऑल्सो शोज, जब वो दूर चली जाएगी लेकिन फिर भी वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही रहेगी, तो ये फिर बता रही है कि PV ये कॉन्स्टेंट ही रहता है. जी क्लास, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच.